सो हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, सो इसमें आपका जो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, इसमें आप मर्क्यूरिक एसिटेट लेते हैं, ठीक है, और वाटर लेते हैं और सोडियम बोरोहाइड्रेट लेते हैं। तो इसमें अल्टीमेटली एडिशन ऑफ वाटर होता है, वो भी अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। ठीक है ना, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल एंड नो रीअरेंजमेंट। नो रीअरेंजमेंट इसलिए होता है क्योंकि कोई भी कार्बन कैटायन बनता ही नहीं है, और नॉर्मल टेम्परेचर पे ज्यादा पॉलीमराइजेशन की भी रिएक्शन नहीं होती, तो परसेंटेज यील्ड इस रिएक्शन में जा रहा है। तो लैब में अक्सर हम इसी को यूज करते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म में भी आप देखोगे कि पहले इसमें एडिशन ऑफ मर्क्यूरिक एसिटेट होता है, उसके बाद वाटर का एडिशन होता है, और फिर रिडक्शन होकर जो है ये अल्कोहल प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें जो आपका ब्रिज मर्करी का कार्बोकैटायन बनता है इंटरमीडिएट, और सोडियम हाइड्रो बोरोहाइड्राइड आप ऐड करते हैं, तो पहले में मर्करी ऐड होता है, फिर मर्करी रिमूव होता है, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेटली, दैट इज द एडिशन ऑफ वाटर विदाउट रीअरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। सो मर्क्यूरिक एसिटेट जो होता है ये आपका सबसे पहले डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है ना, कैटायन और एनायन में। ठीक, तो ये जो मर्क्यूरी का कैटायन बनता है ये आपका एल्कीन पर अटैक करता है और एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, और जब ये साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो इस पर वाटर अटैक करता है, वाटर अटैक करके जो है इस बॉन्ड को टूट जाता है, और अक्सर कोशिश ये होगी कि जो भी कार्बोकैटायन बने वो कार्बन वो वाला पर अटैक करेगा वाटर, जिसमें कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसी वजह से मार्कोनी का रूल फॉलो हो जाता है, और इसमें आपका फिर वाटर अटैक करके इसमें प्रोटॉन निकाल लेता है। तो ये दो स्टेप मर्क्यूरिएशन के होते हैं, नेक्स्ट स्टेप आपका डीमर्क्यूरिएशन का होता है। ठीक है, तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो इसमें रीअरेंजमेंट इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरी मैकेनिज्म में आप देखोगे अभी तक कहीं भी फ्री कार्बोकैटायन नहीं बना। सो डीमर्क्यूरिएशन में आपका मर्क्यूरी फ्रेगमेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड और हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिप्लेस हो जाता है, और आपका जो है अल्कोहल बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी इसकी मैकेनिज्म होती है। अब इसको आप लोग प्रोपीन के केस पे अप्लाई करिएगा। ठीक है, प्रोपीन के साथ इसकी मैकेनिज्म बनाइए कि भाई फर्स्ट स्टेप में आपने ओईसी डाला और फिर वाटर, सेकंड में एनएबीएच फोर डाला, तो उनके साथ क्या मैकेनिज्म होगी इसको बनाने की कोशिश कीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो इसकी आप मैकेनिज्म देख लीजिए, बिल्कुल वैसी ही बनी है लगभग। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है, और वाटर ने उस कार्बोकैटायन पे अटैक करा है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन यानी मोर स्टेबल है। ठीक है ना, तो ये इसकी मैकेनिज्म है, और इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई होप सो आप लोग बता लेंगे। तो इन दोनों रिएक्शंस के आप प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कीजिए। तो आपने लिखा होगा कि भाई रिएक्शन मैकेनिज्म में यहाँ पर एंटी एडिशन होता, मतलब वो जो है इंटरमीडिएट जो है आपका साइक्लिक बनता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है एंटी एडिशन ऑफ वाटर। यदि आप इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखें तो हर रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ी सी आपको याद करनी पड़ेगी। तो इसमें आपका मेन प्रोडक्ट ये बनता है, ये आपका प्रोडक्ट बनता। इसमें वाटर नहीं है तो वाटर की जगह मिथेनॉल लिक्विफाइड का काम करेगा, तो CH3O यूनिट जुड़ जाएगी उसी तरीके से बिल्कुल, और ये प्रोडक्ट बनेगा CH3
एच और सी, ये आपके इसके दोनों रिएक्शन के। तो आप लोग इन दोनों और ये वीडियो को पॉज करके इन दोनों के प्रोडक्ट्स बनाइए, ठीक है, रिएक्शंस के। इसी तरह क्वेश्चन आईटीजी में नॉर्मली आसान आसान से आते हैं इस पर बेस्ड। तो इसमें आपका इथेनॉल कर रहे हैं लिक्विफाइड का काम, या गया CH3 और इस पे OC2H5 मेन प्रोडक्ट होंगे। इसमें वाटर ऐड होना है और कार्बोकैटायन का रिएजेंट नहीं होगा, जैसा आपका हाइड्रेशन ऑफ वाटर में करते आप यहाँ पर कार्बोकैटायन बनाते, ठीक है ना, तो उसका मिथाइल शिफ्ट करते फिर बनता, तो यहाँ पर सीधा आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। और यदि आप इसमें हाइड्रेशन करते, ठीक है ना, और फिर जोड़ते, तो पहले आपका कार्बोकैटायन बनता, ये स्त्री, ठीक, उसके बाद 1-2 मिथाइल शिफ्ट, फिर आप वाटर ऐड करते -8 पॉजिटिव, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनता। तो ये जो है आपको बेनिफिट है इस मेथड के साथ कि कार्बोकैटायन का रिएजेंट नहीं होता। बस बस चार।